मदर और फादर के साथ, बाकी हमारे रिश्तेदार आना जाना लगा रहा। इसने 50 लाख रुपए की डिमांड करी थी इससे पहले भी, हम उसे नहीं दे पाए। इसने हमारी DDA और MCD के जितने भी अधिकारी हैं ना, उनसे इसकी मिलीभगत रहती है। उसकी इतनी पावर है कि उसने DDA और MCD के अधिकारियों से और दिल्ली पुलिस से मिलकर हमारा घर तोड़वा दिया। अभी हम जिस जगह खड़े हैं उस जगह का नाम है बटला हाउस, और बटला हाउस का मुरादी रोड है, और यहाँ पे पुलिस के द्वारा एक मकान तोड़ा जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि नोटिस है इस कारण मकान तोड़ा जा रहा है, लेकिन जिनका मकान टूट रहा है वो कोई और कहानी बता रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। तो क्या ये क्या कारण है जो कि आपका मकान तोड़ा जा रहा है, आप बताएं? कारण ये है, कारण कोई नहीं है, सब लोग यहाँ रह रहे हैं, सबके मकान है। आप एक बार कैमरा घुमाइए आप वहाँ तक, कैमरा घुमाइए, थोड़ा गली की तरफ भी घुमाइए। यहाँ पर सबका मकान है। मैं 101 का निवासी हूँ। हाँ। मैं अपनी मदर के साथ यहाँ रहता हूँ, अपनी मदर और फादर के साथ, बाकी हमारे रिश्तेदार आना जाना लगा रहता है। सर, मामला ये है, 101 मेरा मकान नंबर है, और 102 में एक ब्लैकमेलर और एक्सटॉर्शनिस्ट SM मतलूब नाम का आदमी रहता है, जो लोगों से यहाँ पे लोगों को थ्रेट देता है, एक्सटॉर्शन मनी मांगता है लोगों से, लोगों को थ्रेट देता है कि या तो भाई मुझे तुम इस इतना इतना सौ अमाउंट दे दो, फॉर एग्जांपल 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, या एक फ्लैट दे दो, वरना मैं तुम्हारा मकान एक एप्लीकेशन डालूंगा और तोड़वा दूंगा। सर देखिए, एक्ट्स बहुत सारे हैं, 2006 का एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं। अब होता क्या है सर, कोई मिडिल क्लास आदमी, हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, कोई ऐसा तो नहीं है हम पॉश एरिया में रह रहे हैं। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन यहाँ सबकी हुई हुई है, लाखों लोग यहाँ रहते हैं, लाखों लोगों का ये ऑर्डर लेके आया है सर तोड़वाने का। सर, इसने लोगों से यहाँ पैसा मांगा, ये वाली जो बड़ी वाली बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग भी टूट रही है, ये बड़ी वाली बिल्डिंग भी तोड़ रहे हैं। यहाँ अपने कैमरामैन से कर रहे हैं दिखाने के लिए। हाँ, इस बिल्डिंग में कम से कम 200 लोग रहते थे, 22 फ्लैट थे, 22 फ्लैट का मतलब है 22 फैमिली रहती थी यहाँ पे, और 22 फैमिली का मतलब है तकरीबन 200 से 250 लोग। सर, होता क्या है, ये पैसे मांगे इसने 50 लाख, मेरे पास सारी इसकी जितनी भी मैंने पास में जितनी भी मैंने कंप्लेंट्स करी हैं, मेरे पास एक एक कंप्लेंट अवेलेबल है पास में, जितनी भी मैंने इसके खिलाफ करी है। इसने मेरी मम्मी से बदतमीजी करी गन पॉइंट पे, इसका आंसर क्रिमिनल केस चल रहा है। इसने 50 लाख रुपए की डिमांड करी थी इससे पहले भी, हम उसे नहीं दे पाए। इसने हमारी DDA और MCD के जितने भी अधिकारी हैं ना, उनसे इसकी मिलीभगत रहती है। ये उनका एक तरीके से डीलर बना हुआ है, रैकेट चल रहा है, ये यहाँ के लोगों से अनऑथराइज के नाम पर पैसा उठाता है कि वरना तुम्हारा घर तोड़वा दूंगा, और MCD में भरता है और कुछ अपने पास रखता है। MCD और DDA या दिल्ली पुलिस को भी भरता है, यहाँ के जो SHO साहब हैं उनको भी इससे मिले हुए हैं। कल 11 जून 2024 को तकरीबन 10:30-11 बजे के बीच मेरे पास CCTV फुटेज मौजूद है। हमारे पास कोई नोटिस नहीं था, कोई हमारे पास कुछ नहीं आया, मेरे घर में घुसे, मेरा ताला तोड़ा घर का, मेरे घर में औरतें थी, बच्चे थे, इन सब पे वार करे गए, मेरे पे खुद पे वार करे गए, और हमें घर से निकाल कर हमारा सामान बाहर फेंका, हमारा घर तोड़ा, जितना तोड़ा उतना तोड़ा, फिर से जितना तोड़ा हम उसी हाल में ऊपर चले गए, मेरे पास उसकी भी वीडियो मौजूद है। उसके बाद सर क्या होता है कि आज फिर से आए और फिर से हमारे हमें ऐसी घर से बाहर निकाला, हमारा और सामान निकाला, आप सामान देख सकते हैं, और सामान निकाला और फिर से हमारा घर तोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं है DDA के पास, MCD के पास कुछ नहीं है। ये एक SM मतलूब नाम का आदमी है जिसे यहाँ पे हमने एक्सटॉर्शन मनी नहीं दी, उसकी इतनी पावर है कि उसने DDA और MCD के अधिकारियों से और दिल्ली पुलिस से मिलकर हमारा घर तोड़वा दिया। आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस ना ही पुलिस के द्वारा या कोर्ट के द्वारा कुछ भी नहीं मिला है? सर, कल 11 जून का ही, एक बात बताइए, दो तीन दिन का तो टाइम देते, एक कम से कम 15 दिन का टाइम दिया जाता है। कल 11 जून को ही मेरे पास आए और 11 जून को ही इन्होंने नोटिस लगाया, और उस नोटिस लगाने के ठीक पाँच मिनट बाद मेरा घर मेरा ताला तोड़ना चालू कर दिया। क्या दिल्ली पुलिस को राइट है कि कोई अपनी फैमिली में है बंद है, उसके वारंट भी नहीं उसका घर का ताला तोड़ दें? जिसके घर का वारंट होता है ना, उसका भी ताला नहीं तोड़ा जाता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मोहम्मद उमर? उमर। तो हम देख रहे हैं कि मोहम्मद उमर है, उनका घर है, और किस तरह से उनका सामान जो है सड़क के ऊपर फेंक दिया गया है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके बगल में ही एक पड़ोसी रहते हैं जिनका नाम कि SM मतलू है, उन्होंने I-102 के निवासी हैं और अनऑथराइज में रहते हैं, वो खुद अनऑथराइज में रहते हैं, लेकिन वो सबको अनऑथराइज में कहते हैं कि सब अनऑथराइज में रह रहे हैं, खुद अनऑथराइज में रहते हैं, वो पैसा खिलाते हैं DDA को, MCD को, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, ये करते हैं वो खुद यहाँ के लोगों से लूटेंगे पैसा,
कि भाई तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर तोड़वा दूंगा, एप्लीकेशन लगवा दूंगा, तुम्हारे घर की एप्लीकेशन लगवा दूंगा, वरना इतना पैसा दे दो, एक फ्लैट दे दो। अब सर हम गरीब लोग कहाँ से देंगे? तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ सामान पड़ा हुआ है, और उमर जो है कह रहे हैं कि उनके पड़ोसी ने जो है इनका मकान तोड़वाया है, DDA से मिलके, MCD से मिलके और पुलिस के अधिकारियों से मिलके। वो कह रहा है उसका चैलेंज पूरा मुरादी रोड को है, वो सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर भी लिया है